नालंदा में संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। मार्च अस्पताल चौराहा से होते हुए देवीसराय चौक तक गई, जहां कार्यकर्ताओं ने बाबा भीमराव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की। इस दौरान जेडीयू के प्रदेश महासचिव राजीव रंजन पटेल ने कहा कि बाबा साहेब ने अनुसूचित जाति महादलित लोगों को पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका दिया है। हम तो अखबारों में पढ़े हैं उनका, तो उनके बयान का तो बीजेपी के लोगों ने विरोध किया। हमने देखा है कि उन्होंने शराबबंदी पर जो बात किया है तो सम्राट चौधरी ने तो विरोध किया है। और जहाँ तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है तो वो अपने परिवार के प्रतिनिधि हैं। जीतन राम मांझी को उस समाज का नेता होने के नाते अवसर देने का काम किया नीतीश कुमार ने। दशरथ मांझी को अपने कुर्सी पर बैठाने का काम किया नीतीश कुमार ने। इस धरती पर जब से धरती बनी है सब कोई ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ जो अपना गद्दी किसी अनुसूचित जाति को दे दे।